हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। और अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी का काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि वो मैदान में आएंगे, ब्लू जर्सी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, आप इस इंतजार में हैं कि वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए आपको नजर आएंगे ब्लू जर्सी में, या अगर आप इस इंतजार में भी हैं कि अगर DRS की कोई प्रॉब्लम आएगी तो धोनी उसको संभाल लेंगे, तो शायद अब आपको अपनी सोच पर विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब लग नहीं रहा है कि ब्लू जर्सी में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होने वाली है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि BCCI ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है और उस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है, जो अपने आप में क्लैरिटी दे रहा है कि शायद BCCI ने अब आगे देखना शुरू कर दिया है, या कोई बात हुई है महेंद्र सिंह धोनी और BCCI के बीच में काफी पहले, जिसकी क्लैरिटी जो है वो अब नजर आ रही है और महेंद्र सिंह धोनी अब शायद ब्लू जर्सी में हमें नजर नहीं आएंगे, ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी स्कीम ऑफ थिंग्स में होते तो शायद उनको किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता, T20 वर्ल्ड कप भी भारत को इस साल खेलना है और उसके लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी को अगर भारतीय टीम स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रही है, टीम मैनेजमेंट स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहा है या BCCI स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहा है, तो शायद धोनी वहां पर होते। लेकिन धोनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट भी बता दूं, A+ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है, यहां पर धोनी नहीं है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से धोनी पहले ही भारतीय, लेकिन जो सेकंड ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें 11 खिलाड़ियों को रखा गया और उसमें ऋषभ पंत को जगह दी गई है, धोनी यहां भी नहीं है। थर्ड ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें 5 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, यहां भी धोनी नहीं है। और फोर्थ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में जहां 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वहां भी धोनी नहीं है। अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो उसमें एक नाम नहीं है MS धोनी का, और ये पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि धोनी इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि धोनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, BCCI ने उनको अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी है, जो अपने आप में क्लैरिटी बता रहा है कि शायद धोनी का जो क्रिकेट करियर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। और सेमीफाइनल मुकाबला जो इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, वही कह सकते हैं कि ब्लू जर्सी में धोनी का आखिरी मैच था। तो काफी अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि एक खिलाड़ी 6 महीने से कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो उस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। हालांकि BCCI में कई बार ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता भी है कि कई खिलाड़ी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते उन्हें भी बाहर से पिक कर लिया जाता है, जैसे कि आप रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, शिवम दुबे को लेकर आए, नवदीप सैनी को लेकर आए, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन इनको आप बाहर से ला सकते हैं। जैसा कि रवि शास्त्री ने भी हिंट दी थी कि अगर उनके लिए कोई फॉर्मेट बचा है तो वो T20 फॉर्मेट बचा है, लेकिन दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि धोनी जो है वो IPL में नजर आएंगे। और अगर ऋषभ पंत या संजू सैमसन ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है तो एक आउटसाइड चांस बन सकता है कि फिर धोनी को बोला जाए कि आप प्लीज विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी को संभालिए और विकेट कीपर बैट्समैन की जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ देखिए। चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि धोनी के अपने प्लान हो सकते हैं लेकिन BCCI के अपने प्लान है, और इसी प्लान के तहत ऋषभ पंत और संजू सैमसन को ग्रूम किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक सेटबैक है, एक शॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी थे, क्योंकि इतना लंबा गैप अगर कोई खिलाड़ी लेता है तो अपने आप में वो बता रहा होता है कि शायद उसने फैसला ले लिया है। और ऐसा ही लग रहा है कि धोनी ने फैसला ले लिया है, BCCI को बता दिया है और BCCI ने उसकी क्लैरिटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हम सबके सामने रख दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज स्टेट के नाम से ही हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का पेज है, NN स्पोर्ट्स के नाम से भी हमारा फेसबुक का पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं।